हेलो बच्चा रीना चंपा चमेली पेड़ पालो अदा पालो तुझे डर दे मेहंदी पाल भी डर सकते बोला आज मेरी मेहंदी भी लगाई है आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति रावत है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार से हूँ। आशा और उम्मीद करूंगी दोस्तों कि आप सभी लोग राज्य खुशी हो, कुशल मंगल हो। हम भी राज्य खुशी हैं और आप सभी लोग राज्य खुशी हो, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज का नया ब्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ पहाड़ों के शहर में। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर पहाड़ों का नजारा है इस वक्त, और देखिए कोहरे से भरा हुआ और पहाड़ों में झमाझम हो रही है इस वक्त बारिश। लेकिन जिस तरफ हम हैं इस तरफ बारिश नहीं हो रही है इस वक्त, लेकिन इन क्या पता थोड़ी देर बाद बारिश भी हो जाए। और दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे रामली गांव में। तो इस वक्त हम लोग हैं पुलिंडा वाली रोड पे और हम आपको रामली गांव के दर्शन करवाएंगे आज और वहाँ के लोगों से मिलवाएंगे वहाँ की समस्या और वहाँ की जो भी खेती पाती है वहाँ के दिनचर्या से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए अभी ये पुलिंडा वाली रोड है और इस टाइम पे रोड को साफ किया जा रहा है। जो रात बारिश से पत्थर नीचे गिर गए थे उसको साफ कर रही है रोड रोलर। और अब देखिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और जैसे ही वहाँ पे क्लियर हो जाएगा हम लोग भी जाएंगे और आपको रामली गांव दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों जैसे ही हम लोग रामली वाले रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में ये रास्ता देखिए कितना सारा खराब हो रखा है और पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है पूरे रास्ते में। और ये जो जेसीबी और रोड रोलर है वो रास्ते को साफ कर। और ये देखिए दोस्तों हम लोग रामली गांव में आ गए हैं और ये है रामली गांव का यात्री शेड। और ये देखिए ये है जहाँ रामली गांव के लोग कूड़ा डालेंगे, कूड़ा घर। और चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये है रामली गांव का रास्ता। और आज देखिए झुरझुर झुरझुर बारिश पड़ रही है। ये देखिए सारी रोडें हो रखी हैं गीली और देखिए बारिश लगातार हो रही है आज यहाँ पे। लेकिन आप लोगों के आप लोगों को रामली गांव दिखाने के लिए हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये है रामली गांव का रास्ता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और देखिए पहाड़ों में जब बारिश होती है कितना सुंदर और कितना सुहावना मौसम हो रखा है। उस तरफ देखिए आप, उतना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है आज और कोहरा लग गया है। और धीमी धीमी बारिश के साथ आज की व्लॉगिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों रास्ते में ही सोलर लाइट लगी हुई है रामली गांव के लिए। और ये देखिए जैसे ही हम लोग ऊपर से आए हैं यहाँ पे कटकली लगी हुई है जो गांव की महिलाएं लकड़ी स्टोर कर रखती हैं, उसको बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में कटकली। और दोस्तों हमने आधा रास्ता लगभग कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए आधा रास्ता कंप्लीट करने के बाद सुंदर गांव रामड़ी का नज़ारा। और देखिए दोस्तों बांस के पेड़ और गौशाला के साथ शुरू होता है रामड़ी गांव का सबसे पहला घर। और देखिए सुबह से आज रामड़ी गांव में बारिश हो रही है और यह है गौशाला और ये हमारी गौ माता। तो चलिए पहला निवास ये है और आपको मिलवाते हैं यहाँ के निवास वासियों से। यह है दीदी का घर। दीदी आपका नाम क्या है? अच्छा, और आप अगमैत कक्ष? लालपाणी। और हम भी कोटद्वारा का ही छो, कोटद्वार की जगह बलभद्रपुर।
अच्छा हाँ लाल पानी नाथपुर को भी चढ़ा। दीदी आप गाँव रामड़ी अनाज उनाज सब्जी हुंच सब्जी तो होंगे पर अनाज तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं चन रामड़ी का मूला फेमस चन होंदा चन मूला प्याज लसन क्या भाव ची प्याज तुम्हारे लगाई गहरी लगाई च और दीदी देखे दीदी के प्याजों की गहरी भी लगा रखी है क्या भाव देना दीदी 30-40 रुपए किलो है कि ना प्याज 30 की 40 क्या दे दो मतलब या उड़े 30 30 अच्छा 30 रुपए किलो प्याज है दीदी के। और दीदी पानी की समस्या पानी है पानी की तो समस्या छे ना। और पढ़ाई के लिए बच्चों को शिक्षा शिक्षा जो कर देता प्राइमरी स्कूल से ना हां बस कॉलेज अखुन बच्चों को बाहर जान कोड़दार है ना कद का बच्चा से ना आपका मैं दी लड़का अच्छा कॉलेज के रहा पढ़ना सा फौज में चल आओ एक से अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया कह रहे ब्याह बुआरी कह रहे ना 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 अभी वो बढ़ते अच्छा अच्छा अभी हुआ है वाला अभी तो हमारा भी कम चीज की साल अभी तो हुए तो ये देखिए दीदी का ये है सुंदर घर। और दीदी प्याज भी बिका रही है 30 रुपए किलो जिसको लेने हैं दीदी से संपर्क करें आप लोग। नमस्ते ठीक ठाक छो आप तबियत पानी तबियत हो गया आजकल तबियत कुछ है तो नी पहचान लो ना तो नहीं छो पक आप अग ना तो नहीं छो भी नहीं पहचानना छो पहचानो आप दिमाग फट जोड़ दियो जरा दिमाग फट जोड़ दियो काका ना क्या कोड द्वारक हाँ एक भी नहीं बलभद्रपुर 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 सिंपल चौड़ सिंपल चौड़ सुनियो आप तड़ियाल चौक सिंपल चौड़ सुनियो आप कोड़दार का छो कखक कालाबाड़ जौनपुर अच्छा आप जौनपुर का छो जौनपुर कालाबाड़ और यह है रामड़ी गांव का दूसरा घर और उसमें लगा हुआ है देखिए आप लोग ताला। चलिए आपको लेके चलते हैं तीसरे घर की तरफ ये देखिए सुंदर सुंदर घर ये देखिए दोस्तों उस वाले घर में भी लगा हुआ है यहाँ पे ताला। यह है चौथा घर और कितना सुंदर घर है उसी के सामने आम का पेड़। और आपको लेके चलते हैं पाँचवें घर में। हेलो बच्चा हेलो। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे भी बच्चा ही बच्चा था उसकी फैमिली के जो मेंबर हैं बड़े वो कहीं जा रखे थे। और ये है गांव का रास्ता तो हम यहाँ पे से चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको गांव के घर। तो ये वाला घर है दादी जी का और आप यहाँ खींच लेके चलते हैं आप लोगों को। ये वाला घर भी किसी का ठीक ठाक क्या भाव छा प्याज अखर 25 अच्छा कोई बिकाणु छे ची एक और अच्छा और ठीक छे। ये देखिए दोस्तों बारिश के कारण सारा रास्ता कीचड़ कीचड़ से भरा हुआ है और इस टाइम पे हम हैं रास्तों में। और ये देखिए ये पुराने तिबरे के घर है जहाँ पे लग चुका है ताला इनकी देखरेख के लिए अब कोई नहीं है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पिंक कलर के फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए आसपास का नज़ारा आज पूरा अगल बगल गाँव में कोहरा लगा हुआ है। और ये सब जो पुराने घर हैं ये देखिए छोड़ के लोग आ गए हैं नए घरों की तरफ। ये देखिए सारे पुराने घर जो हैं ये छूटे हुए घर हैं। और देखिए दोस्तों गांव की गौशाला कुछ इस तरह होती है वो है हमारी गौशाला। और ये है गौ माता और ये है भ्यूल के पेड़ जिससे गाय घास खाती है। नमस्कार दाई जी ठीक ठाक छो क्या नाम चा पग
हाँ आज वीडियो बनाना था बरखा रुझे गए सर रहा? नाम क्या चापक सुंदर नाम सुंदर नाम क्या चापक सुंदर नाम इतनी था माता है क्या क्या उणू या प्याज व्याज बिकाणू कोई प्याज बिकाणू कोई क्या क्या उड़ी है खेती पाती काम से कुछ भी नहीं है कका चाप मैं तो कक चापक मैं तो किसे ताकि फोन कक कोड़दार फोन बली कांडे था अच्छा बली कांडा का चाप यही अग्ने ना बली अग्ने ची बच्चा कर का था ना पका बी था ये लड़के लड़का बीवाले ली हाँ बेटी ब्याह हुई यही लड़का भी अच्छा अच्छा बढ़िया आप छो गारम यक युवल गार युवल चो आप अच्छा अच्छा आज तो खूब बरखा करा दिया है कोटद्वारा मुड़ू बहुत गर्म यक तो अच्छू है गया आज देखिए दोस्तों रामली गांव के एक समय में बोला जाता था यहाँ प्याज और जो मूला है बहुत क्वांटिटी में हुआ करता था और आज सारे गांव वालों से मैंने पूछ लिया कि प्याज है कोई हाई नहीं बोल रहा है चलिए खोजते हैं प्याज अगर मिल जाएंगे तो हम यहाँ से आज प्याजों का बाहर ले जाएंगे ठीक ठाक छो तुम दिखा लगाना समय दे कका का छो आप कक देखवाल कोड़दार देखवाल मिल तुम्हारा घर में इसका उस पे काशी रामपुर कक दिया का आपल मैं तो अब दी दो मां अब लोड़ो मां काशी रामपुर ओना ओना या भावरा छार अच्छा क्या नाम चापक मैं सरोज ने या का भैया ऐसे तो प्याज नहीं बिकाणो कोई की भाई हम तो बिका दे हम बिका दे ना भावर पर हां हां वकील लिया वाला ना क्या क्या उणो आजकल घर फोन कुछ ना तुम्हारा क्यों ना घर कुछ नहीं मुंगरी लगाया ली ना मुंगरी बांध खा ली नहीं साकर ने बांध प्याज ही हुंदा ना बस एक भाजी है ना प्याज और मूला वाला गांव फोन के का प्याज व्याज तू जेन कर देता हां बच्चा का छन बहरा पका ना भाई लड़के थे मैं चार बिवाई लिया सब ना बाबरन थे अच्छा बाबरी आप अगर प्याज तो बाकी चल गया वाला तीन जब बाकी अच्छा चौथी कग दी एक पंजाब से अच्छा अच्छा ओ बढ़िया निजरक छो मतलब और ये देखिए सुंदर सुंदर मिर्ची के पौधे लगाए हुए लोगों ने अब नमस्कार नमस्कार प्याज नहीं बिकाणू कोई प्याज पता नहीं है कब बिकाणू का बस गांव प्याज भी खाना मिसर अब आगे मरती पर ताल तक कोई प्याज ही नहीं दियो प्याज लो पहले दे दी ना अब नहीं वाला ना वाला के मा अपने जी में बला सर मैं दे ना लोका गल छोड़ कोड द्वारा का अच्छा अकेला हां स्कूटी लेई ना मेर में लाल में वो करूल प्याज ले जाल पर प्याज छै नहीं छ ना अकेला छोड़ हां साल के लिए बिके ना ऐसे साल में आई छै पहले पहली बिका दिए क्यों थे रास्ता कक चाहिए दादी नाम क्या वाल दादी तो आज मेहंदी लगाई ठंडम दादी के नाम चापक हेलो हेलो बच्चा चंपा चमेली पेड़ पालो अदा पालो कुछ मेहंदी पाल भी दे सकते बोला आज मेरी मेहंदी भी लगाई है आज ठंडम सर रुझ ही गयो हम तो रास्ता पुणा दा और देखिए दादी हमें गांव घुमा रही है आज हमारी ये धर्म दादी बन गई है हमें गांव घुमा रही है आज देखिए दियापंग नाम क्या छ मेरा नाम शोभा देवी आशा कहाँ छो आप यहाँ तो रामड़ी छ ना ना मैं तुम्हारी नेचे सलिंग खाल कब आई हो मुंडूल सुनी छ मुंडूल हां काटल बस्तोली उने अच्छा कद का बच्चा संदी दिया आपका दी छिन मैं ए लड़का ये लड़की क्या करदन बच्चा बच्चा ते कॉलेज करना छ कोड़दार दीदी आप थे पर गांव में क्या सुविधा क्या अच्छो लगो उधर क्या बुरो लगो
अपर हिसाब से अपर नहीं गांव तो हमारा अच्छी चीज साग पात घास खोस हर चीज से ना अच्छी चीज है मिलनसार लोग मिलनसार से कुछ आजकल सभी जगह हाँ जी हाँ हाँ आई आख दीदी स्कूल कोच बच्चों पढ़ना कौन नजदीक नहीं दीदी जी सरकारी च इंटर कॉलेज बल्ली च ना स्कूल या कम तो कॉलेज कौन बच्चों घर कोड़दा जान आपके बच्चे आपने क्या कहा क्या कर रहे हैं कॉलेज करना चाहिए कॉलेज कर रहे हैं ना बीएससी करना चाहिए अच्छा ये का भी क्या बार या बिकार अच्छा अब कार वाला अब भाई और कक्षा भाई ने ये लिंबू चोड़ रहे थे हाँ हाँ फौजी रेट हाँ 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 अरे ये की किचन अच्छा भरत नगर भी जाना चाहूँ अच्छा भरत नगर बड़ो बारीक मकान चादर अच्छा 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 ओ हम बोली का नाना आप आपकी दीदी भूली वो दीदी 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 से मिली का नाना चाहो आस दीदी कद का सुंदर मौसम कद का कोई लगी सर ठंड हुई मौसम साग सब्जी ऊंची है साग सब्जी तो बहुत हूं आलू हूं प्याज हूं लहसुन हूं मूला हूं अदरक हूं हल्दी हूं पर क्या चीज सुंगर पिंडल भी हूं जा सुंगर हम पिंडल देखा जाए यार हाथी सुंगर जड़ा काकड़ बूढ़ी सब यही मोर इतना दर्द जिन्हें जन बोलता छा ना कि रामली फुलिंडा का मूला मूला और प्याज हूं बहुत ज्यादा फेमस है सिर्फ प्याज आलू जरा लहसुन भी हाथी चलना रहे उमा भी हाथी चलना रहे वही कारण तो कम हो गया तब हाँ अच्छी खेती पाती अच्छी अन्न पानी अच्छा बहुत अच्छा आप तो आलू भी तेरी तेरी दिन हमारे कह देना हमारे छोन बड़ा बड़ा लोन छे ना साथ हाँ 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 दिपेल करता भी छे ना करता भी तो छे हाँ पर हम थी डांडा गांडा सब सब कर छे बांध गए हमारे छोन तक अंतर आ चुका है ये सर है जो आप अक्सर है ये सब हाँ अभी पंडित साल नहीं होता छह सात साल होना चाहिए छोड़िया ना हाँ छह सात साल अब गोरी जम गया हाँ दीदी जब छोड़ गया था कूदी था कूदी हाँ बीम है ना मुझे वक तो तुम बने तो रहने था हाथी उपुण 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 सब सड़के सड़े मथे दुकान तक अंचा ये पर ये पासी कम खाए केले ये अच्छा केला खाना कोड़ी अगता गाएगे गाँव गाँव में ये बीच में ये केला खाना हम पड़सी फोन फुलिंडा भी गया था ना वाग भी बोला केला का डाल सभी को घर मुखे तरी लगे छन और इतना फर्क आया छन बोला सर हाथी ले जाना पड़ रहा हाथी ऊंथे पर अपर से बने 4 बजे जाओ रात पड़क कारे आता बार ऊंची ता जा भरी सी आ अच्छा अच्छा भगा हम भी दौड़े पिछले रात यान बोलो कि आदिम थे निकार कुछ के आला तो फोग दुबरा भी हो जाला आदिम फर लग जान नुकसान हो जान तो वो ज्यादा हारी छे ना तो हमारे सामने रामली के ग्रामवासी हैं सभी बैठे हुए और आप सभी से मैं एक सवाल पूछूंगी जैसे आपका आप लोगों को आजकल पता है कि पहाड़ों में जो लड़के रहते हैं उनके लिए लड़कियां शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही हैं तो आपके हिसाब से क्यों नहीं हाँ बोल रही हैं और हाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए अपर फिट सो मतलब अपर काम भर ना अब कभी खेल कूद भी चल रहा कभी हम घूमना भी चल रहा
मंडली मंडली घूमना खून गया अच्छा आप कभी कभी अच्छा अच्छा जे तो रिंग हूं तो पता चला आप हिसाब से मतलब पहाड़ों दीन चैनी ना बुआरी आप लड़की दीन चैनी आप है ना सब उदय अगर वो लोड़े मारे तो पूछ चले अगर तू इंतजार से अपन लोड़े कोई बुना चाहिए कि हमारे लोड़े फ्लैट हो से दिल्ली में अरे फ्लैट तुम्हारे तो पहला बता रहा हूँ अब देखो अब देखो ना पहले तो देखो देखो ध्यान की कम कुछ लगाम बोलो अब तक तो देखा नहीं लोड़े वो फ्लैट को जा रहे अब तुम्हारे पास तो जाने का फ्लैट न्याय की कमी नहीं है बोला था पहले अब तक देखो ना कि हमारे न्याय तो था फ्लैट न्याय वो फ्लैट दूसरा घर तब कुछ कोदार मकान लगा जाओ तब रो तू तो नौकरी नहीं लगेगी तो तब रो पहला प्रकार भी तो देखो ना तुम अरे तुम अगू का तुम दे तू दे सकर अगर तुम अगू भाई उगवार वाला तो वो भी नहीं पूजा ला तब कर जा ला हमारे कोई मतलब पूजा ही नहीं हम तो तेरे दो ना सुधी हमारे घरों को दे दियो हम तो मैं पर अच्छा छो ना अच्छा खाना छो पर अच्छा सा अपर परिवार चला चुना पर परिवार पर जवाबदारी निभा जी सब दानी वो कर जब फोन दी ना ये एक दगल जा लन नौकरी माफ दग और ये एक साल तीन साल से पगे तो रहे ननी जी का की हां हां और तीन वो कमरा बड़ा बहन ने को यार तो क्या जी हाल कर ये तो ड्यूटी ला रुए रखता है घुमाया होता है बिल्कुल हां अब का यार बोले हम तो नौकरी में क्या जाता तुम नौकरी में तुमसे बड़े दाम घुमाना सब गारम हमर का ये नौकरी नहीं जान सके भूमिका जन दे दिल्ली वडेगा सोन मंदिर वडेगा बागा बॉर्डर वडेगा ये पहाड़ दोपहर एक बजे नाच उठे अभी असुरकंडा चंद्र बदनी कुंजापुरी देवराग ये इतने अच्छा था मैं ओ थक जाई छो मैं कंडोले मा दे तक थोड़ी ओ सब जगह जाई छो अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया रामनगर से सभी मंदिर जाई छो ने अभी सब जगह घूमे छो मगर ये जगह नो गनी घर तो चलो आप लोग हो तो निभाई से अपर कुटुंबदारी भी जवाबदारी सब चीज ना मजदूर करी हाँ अभी ना की हाँ पहाड़ों पहाड़ों में आन चढ़ो ना बुआरी बेटी उठे या बुआरी बनी का ना तब तो निभान जो कोई भी चीज ना बुआरी बनी आ जाओ अब काम नहीं करें कुछ ना कुछ नहीं करे उदागढ़ में चल रहे या जब चल घर में लड़की गुना की ब्याह को करो जो कोर द्वारा मतलब बाजार नजदीक बाजार कोर द्वारा ये तो नौकरी में ले जा जे घर वाल जमीन भी वाल नौकरी भी सरकारी वाल माँ देख रहे ना क्या लड़का भी तो चाहिए बेरोजगार जो माँ की लड़की भी पहाड़ा की लड़की भी हम तो पहाड़ा की लड़कियों को बड़ा दिमाग क्यों चले हम तो सब बुए वाले चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हम तो सही लाइन बताना नहीं बताना जो घर में भीतरी भी नीच ये भीतर तो और बेटे को फौज को यहाँ से पर वहाँ पर लड़ा कौन लालू उनका ग्रहण उनका ग्रहण ऐसा क्या है अच्छा फौज में बेटे भी का के भाग जाना चाहिए ना कहाँ से वो बड़ वही मजा आ जाए जाना चाहिए ना कुछ नहीं जान दी आम हांगी सुनो की वो तो चल गया गलत माँ बाप तीन चढ़ाओ बेटो दाँच शिक्षा पर बच्चों की नीच की बतू नी कर तो काम मन पसंद भी करना तो कोई बात नहीं अपनी बात नहीं गलत सिंह चल दो चे नहीं जा हमें नहीं कभी गलत ना नहीं मन पसंद आता है कभी नहीं तो ठीक चे पर इन्ना की जा से भी जा मचल जा तो माँ ये भी आज चुनी चे और मतलब माँ बाप तब पूछ उनसे इनके बाँ वो म्यार पसंद करने बाय वो ठीक कर म्यार रिश्ता हिंदू है सब कुछ नहीं बना की गलती करना नहीं करना बाज बाज जगह
साग मंगा कौन श्याम दो कौन लून नीच आप बुना चेन क्यों का एकम चिपड़ा कौन नींद फौजी कौन दी बात हकीकत बात है कई मात चौक में नहीं आने ना ची चौक यही जगह की नहीं है वही लोड़ी मार मत चौक में नहीं आने जाए चौक में ना आप पर बातों को लोड़ा कौन खुजाने काम जाए अरे नहीं पट जाए हम भी जाए ची मगर इतु वो ऊपर क्यों उन लापर चौक में नहीं आने जाओ ना पहले बोल दिया बल्कि करने का काम चाहो किसी ने कुछ तो कभी नहीं तुम्हारे रिश्ता होना मुश्किल से तो दोस्तों रामणी गांव से हम लोग आ चुके हैं अब घर की तरफ और झुमझुम बहुत तेज बारिश यहाँ पे हो रही है इस टाइम पे और मैं थोड़ी लेट में निकल रही हूँ यहाँ से क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। अब थोड़ी थोड़ी झुमझुनाहट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो हो रही है और हम चल रहे हैं घर की तरफ। रामणी गांव का आप लोगों को बताऊं अपना अनुभव तो बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग थे, बहुत ही अच्छे निवासवासी थे, सभी लोगों ने बहुत प्रेम और आदर से हमारा सत्कार करा और हमें ट्रीट किया। तो दोस्तों आपसे एक और नई व्लॉग में मिलती हूँ। आप लोगों से उम्मीद करूँगी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।